शिकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते, मैं हूं आपका करण चाचू और किलकारिया के सभी दर्शकों को मैं इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हमेशा की तरह मैं आपके साथ एक सीख शेयर करना चाहता हूं, और वो सीख ये है कि मैंने ये जाना है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ तब समझ में आता है जब उस आज़ादी का कुछ देश को फ़ायदा हो रहा हो, और देश का फ़ायदा इस बात में सबसे ज़्यादा है कि वो प्रगतिशील है, उन्नति कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारे भारतवासी एकजुट होकर काम करें, और उनको एक करने के लिए जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो है भाषा। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3 ऐसी भाषाएं होनी चाहिए जो हर देशवासी को आनी चाहिए, और जिन्हें उन्हें अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहिए या बच्चों को सिखाना चाहिए। एक है हमारी मातृभाषा, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कोई भी हो, लेकिन वो उन्हें आनी चाहिए क्योंकि वो उन्हें उनकी संस्कृति से जोड़ती है जो बहुत रिच है। दूसरी भाषा है हिंदी भाषा। इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हम सब भारतवासियों को एकजुट करती है। अगर आप केरला में जाएं, या आप गुजरात में जाएं, या आप किसी और राज्य में जाएं, अगर आपको हिंदी आती होगी, उनको हिंदी आती होगी, तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे देश भर में कहीं भी। तो एक ये भाषा है जो हम सभी को आनी चाहिए, जिसका बहुत बुरा हाल हो रहा है आजकल। तो अगर आप हिंदी सिखाएं तो अच्छी वाली और साफ हिंदी सिखाएं, करेक्ट हिंदी सिखाएं, ग्रामेटिकली, उच्चारण वाइज, सब कुछ। और तीसरी भाषा जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। आज देश भर में इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इसके अलावा हम में से कई लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं देश के, वहाँ काम करना चाहते हैं, वहाँ देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, और इस सब के लिए ज़रूरी है कि हमें अंग्रेज़ी भाषा आए। और चूँकि अब कई सारे ऑफिसेज में इंग्लिश लैंग्वेज का भरपूर इस्तेमाल होता है, तो ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को वो भाषा भी आए, वरना उनमें एक हीन भावना पैदा हो जाती है, एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। तो ये 3 भाषाएं हैं जो आपको भी आनी चाहिए और आपके बच्चों को भी आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थी आज की सीख, और इसी सीख के साथ एक बार फिर मैं चाहूँगा आप सभी से इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि ये सीख आपके थोड़ा सा ही सही लेकिन काम ज़रूर आएगी, और इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे मिलूँगा मंडे को यहीं, जहाँ कहानियाँ होगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियाँ।